Hey you all facility people and welcome back to Flow Vlogs. दोस्तों करेंटली इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 12556 भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि सबसे पहले चलाई गई थी न्यू दिल्ली से गोरखपुर के बीच में, लेकिन समय के साथ साथ ना इसे ना धीरे धीरे एक्सटेंड कर दिया गया। पहले ये ट्रेन भिवानी तक एक्सटेंड हुई, उसके बाद इस ट्रेन को हिसार तक एक्सटेंड कर दिया गया और अभी हाल ही फिलहाल में इस ट्रेन को पंजाब के भटिंडा तक एक्सटेंड कर दिया गया। चलते हैं भटिंडा से गोरखपुर के बीच में। तो आज की अपनी इसमें यात्रा होने वाली है न्यू दिल्ली से गोरखपुर के बीच में, यानी इसके सबसे फर्स्ट इनिशियल रूट पे न्यू दिल्ली से गोरखपुर के बीच में। एक मैं आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ और सारे स्टॉप्स हम कवर करेंगे जितने भी ये ट्रेन रुकती है न्यू दिल्ली से गोरखपुर के बीच में। तो चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट साइड, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एंट्रेंस साइड, जिसे अजमेरी गेट साइड कहा जाता है। और सामने आपको देखिए डायरेक्ट रैंप मिल जाएगी जो कि आपको आगे सीधा मेट्रो से कनेक्ट कर देगी और उधर सामने आपको पार्किंग्स मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन के अंदर। 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस आज अराइवल होने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे खड़ी है नई दिल्ली से चलकर लखनऊ जंक्शन की ओर जाने वाली लखनऊ की आन बान शान लखनऊ मेल। यहाँ आप जनरल क्लास की कंडीशन देख सकते हैं, ऑलरेडी कोचेस भटिंडा से ही फुल होके आ रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं भाई दिल्ली के पैसेंजर्स के लिए कोई रियायत नहीं अगर आप जनरल क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं। स्लीपर के चार कोचेस इसमें लगते हैं और चारों की कंडीशन आप देख सकते हैं अभी, जबकि फैब का टाइम है, यानी कंपेरेटिवली लीन सीजन है ये ट्रैवलिंग के हिसाब से, बट आप कंडीशन देख सकते हैं सिर्फ चार इसमें स्लीपर के कोचेस लगते हैं। तो अपने निर्धारित समय 9:25 से 10 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। ट्रेन यहां से अब नॉन स्टॉप 440 किलोमीटर का रन लेके सीधा रुकेगी उत्तर प्रदेश के कॉमर्शियल कैपिटल कानपुर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। गोरखधाम एक्सप्रेस में अगर आप ट्रैवल करेंगे ना, तो इसके साथ एक ड्रॉबैक ये रहेगा, ट्रेन जब भटिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचती है ना, तो वहां से इसका प्लेटफॉर्म से ही डिपार्चर हो जाता है। तो ऑल तो तकरीबन दोपहर में 12:30 बजे के करीब ये ट्रेन भटिंडा जंक्शन पहुंचती है और वहीं से तकरीबन 2:15 बजे के करीब ये ट्रेन वापसी गोरखपुर के लिए आ जाती है। तो इसका जो मेंटेनेंस वगैरह होता है ना, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जो स्टेशन पर साफ़ सुथरा होता है या ऑन बोर्ड जो क्लीनिंग होती है वही इसकी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ सेकंड एसी का ये वेस्टिब्यूल, सामने कोच है, तो आप देख सकते हैं एकदम मतलब फिटी कंडीशन है, मतलब उतना अच्छा नहीं है जैसे सेकंड एसी का होना चाहिए।
अलीगढ़ जंक्शन का जैसे ही मैंने डिपार्चर लिया था उसके बाद थोड़ी देर में अपनी आगे सीट पर बैठा था और कब मेरी आँख लगी और उसके बाद जैसे ही मैं उठा ना वैसे ही हमारी ट्रेन ना कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी हुई थी 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस की कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 2:55 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। कानपुर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है ये नॉर्दर्न इंडिया में और साथ ही साथ इसे उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल भी कहते हैं। कानपुर ना दो चीज़ के लिए फेमस है, एक तो यहाँ पे ना लेदर्स का काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है और दूसरा यहाँ पे ना गन्स का भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। कानपुर ना एक IIT सिटी है और वन ऑफ द ना ओल्डेस्ट ये IIT सिटी है। जब इंडिया में स्टार्टिंग में IIT इस्टेब्लिश हो रहे थे ना तो उसमें से एक शहर कानपुर था। गंगा नदी के किनारे पे कानपुर शहर बसा हुआ है। कानपुर सेंट्रल का स्टेशन कोड है CNB। इंडिया में ना 5 मेजर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसमें से एक ना कानपुर सेंट्रल है, बाकी इसके अलावा है मुंबई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मंगलुरु सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलकर 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन का ऑफिशियल टाइमिंग है पहुंचने के रात्रि के 3:36 और यहाँ पे गोरखधाम एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हमने निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर उन्नाव रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। उन्नाव ना एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है उत्तर प्रदेश का और ये ना कानपुर मेट्रोपोलियन सिटी का पार्ट है। आप ना ट्रूली लेदर सिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। इंडिया का ना लार्जेस्ट लेदर एक्सपोर्ट ना अकेले उन्नाव से होता है, साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज भी है और तो और यहाँ पे ना मॉस्किटो नेट यानी क्या है मच्छरदानी उसका भी ना लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के लिए एक्सपोर्ट भी होते हैं उनके। उन्नाव को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से टोटल 4 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन जाती है। एक लाइन जिसके ऊपर से हमारे यानी आती है कानपुर की तरफ से, एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है लखनऊ की और जिसके ऊपर अभी हम बढ़ने वाले हैं, एक लाइन यहाँ से चल जाती है उंचाहर की तरफ और एक लाइन यहाँ से चल जाती है बालामऊ की तरफ। उन्नाव जंक्शन का स्टेशन कोड है ON। तकरीबन यहाँ पे 86 ट्रेन हॉल्ट लेती है, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पहले कई सारी ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन को स्किप मारती थी लेकिन हॉल्ट मिलने लगा, जैसे मुझे एक याद आता है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जिसका भी हाल ही फिलहाल में ना उन्नाव जंक्शन ऐड हुआ है, वरना वो ना एकदम टॉप ट्रेन है और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन है। उसमें मैंने ऑलरेडी एंड टू एंड जर्नी कवर की है, अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तकरीबन भोर होने ही वाली है और आप देख सकते हैं स्टेशन पूरा एकदम शांत है और स्टेशन पर ना खाली 1-2 RPF के गार्ड्स हैं, उसके अलावा मैं हूँ। नवाबों के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं आप सभी फ्लो व्लॉग के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुबह के तकरीबन 4:45 यानी 4:45 हो रहे हैं और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं लखनऊ के लखनऊ चारबाग NR रेलवे स्टेशन में। 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस की लखनऊ रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है सुबह 4:50 और यहाँ पर यह ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है LKO। लखनऊ में ना वैसे 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, एक है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, दूसरा है लखनऊ जंक्शन NER रेलवे स्टेशन और दोनों रेलवे स्टेशन ना एक दूसरे के आजू बाजू में है, तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा लखनऊ चारबाग है कौन सा लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो देखिए जहाँ पर सारी ट्रेनें आकर टर्मिनेट हो जाती है ना वो है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे लोकली छोटी लाइन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो लखनऊ चारबाग यानी लखनऊ रेलवे स्टेशन है ना इसे बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन कहा जाता है क्योंकि इनिशियली ना ये ब्रॉड गेज की ट्रेनों को कैटर करा करता था और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन था वो मीटर गेज की ट्रेनों को कैटर किया करता था।
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा अराइवल हुआ है। इस वक्त पूर्णिमा की रात है भाई, मतलब साइड लोअर बर्थ होती है और भाई ऐसा खूबसूरत फुल मून होना तो भाई मज़ा ही आ जाता है सफ़र का। कानपुर सेंट्रल के बाद ना लगातार मैंने उस खूबसूरत फुल मून को एंजॉय किया था और भाई मज़ा ही आ जाता है मतलब ऐसे ट्रैवल करने का। यार एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब भी मैं एसी टू टायर में जर्नी करता हूँ ना यार, मेरा कोच हमेशा मोस्टली लास्ट का होता है, चाहे वो श्रमजीवी एक्सप्रेस हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की जर्नी हो, चाहे तमिलनाडु एक्सप्रेस की जर्नी हो, मतलब आज तक मैंने जितने भी सेकंड एसी की जर्नी करी है ना उसमें मेरा कोच हमेशा लास्ट में मिलना होता है, फर्स्ट एसी के बाद वाला लास्ट कोच रहता है। तो यार आप खाने पीने की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वंचित हो जाते हैं और हाँ जब अराइवल रिकॉर्ड करेंगे ना तो बिल्कुल आगे सामने ही खत्म हो जाता है, हाँ लेकिन डिपार्चर पूरा क्लियर रिकॉर्ड होता है, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म से आराम से ट्रेन जा रही होती है, सारे खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह आप देखते हुए जाते हैं और साथ ही साथ अपना खून भी एक तरह से जलाते हैं कि हो यार सारे स्टॉल आगे की तरफ होते हैं और आप आराम से पीछे ऐसे जंगल झाड़ में पड़े रहते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन थोड़ा सा डिले आई थी लेकिन उसके बाद के बैक टू बैक ये तीसरा ऐसा हॉल्ट है इस ट्रेन का जहाँ पे ये ट्रेन ना बिफोर टाइम आ रखी है। लखनऊ सिटी में ना 3-4 मेजर रेलवे स्टेशन है जैसे गोमती नगर, ऐशबाग, लखनऊ जंक्शन, लखनऊ NR रेलवे स्टेशन। लखनऊ शहर ना गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ की जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो है यहाँ की तहजीब और यहाँ के लोगों की बात करने की लज्जा। अब देखिए यार दिल्ली में आपने देखा होगा लोगों की लैंग्वेज कैसी रहती है, मतलब मैं कुछ किसी को मतलब ऐसा ऑफेंसिव वे में नहीं कह रहा लेकिन आपने देखा ही होगा मतलब भाई उनकी आप आवाज़ सुनेंगे ना तो एक तरह से मतलब गुस्सा सा आ जाता है और यहाँ के लोगों की आप आवाज़ सुनेंगे ना तो भाई अगर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा ना तो मन एकदम शांत सा हो जाता है। साथ लखनऊ की चिकनदारी कुर्तीज़ भी काफ़ी फेमस है और तो और यहाँ के ना अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई लखनऊ आपके लिए गो टू डेस्टिनेशन है, यहाँ के टूंडे कबाब तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ना खैर लखनऊ में काफ़ी सारे मॉल्स भी अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे फोनियक्स है, लुलू है, मतलब ऐसे ना कई सारे मॉल्स भी हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है और तो और इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। लखनऊ रेलवे स्टेशन से निकलकर 28 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया था और हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या डिवीजन के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहां पे भी हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर आ चुकी है। बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे गोरखधाम एक्सप्रेस की पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 5:48, 2 मिनट का यहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है BB 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे तकरीबन 98 ट्रेन आके हॉल्ट लेती है और कई सारी यहाँ से मेमोज वगैरह भी ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। बाराबंकी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे गोंडा की तरफ और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे अयोध्या की तरफ। अभी हमारी ट्रेन गोरखपुर से पहले 3 हॉल्ट पर और रुकेगी, गोंडा जंक्शन, देन उसके बाद ट्रेन रुकेगी बस्ती, उसके बाद ट्रेन रुकती है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन में और उसके बाद ट्रेन पहुंचेगी गोरखपुर रेलवे स्टेशन। बाराबंकी से निकलते निकलते सूर्य उदय भी लगभग होने ही वाला है।
अभी ना हम गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन पे हैं, जो कि गोंडा जंक्शन से एक स्टॉप पहले है, और यहाँ हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है। शायद मेरे ख्याल से आगे सिग्नलिंग नहीं होगी या कोई ओवरटेक वगैरह हमें पड़ने वाला है। और अभी मैंने वैशाली एक्सप्रेस का देखा तो वो हमसे पीछे थे, तो शायद उसका ओवरटेक हमें पड़े। मानना पड़ेगा क्यों वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की प्रायोरिटी आज भी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में इतनी सुपर्ब है। मतलब नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे ने अपने जोन की ट्रेन को अपने जोन में रुकवा कर ओवरटेक करवाया एक दूसरी जोन की ट्रेन, यानी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की जोन की ट्रेन है। टाइम था जब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने इस रूट की सबसे पॉपुलर ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन बाद में और भी कई सारी ट्रेनें आती गई, और उसके बाद आ गई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि अभी करंटली ना नॉर्दर्न बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेन है। लेकिन वैशाली एक्सप्रेस का रुतबा आज भी मतलब उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लेवल का, एटलीस्ट गोरखधाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से तो कई गुना इसका लेवल ऊपर है। और यहाँ देख सकते हैं हमें ओवरटेक करके चले गए जब भले पिछले तीन स्टॉप से हमारी ट्रेन ना पहुंच रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि यार अचानक कैसे हमारी ट्रेन इतना बिफोर हर जगह जा रही है, तो वैशाली एक्सप्रेस ने कहा होल्ड माय बियर, और पीछे से आई लेट रनिंग वैशाली एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन को गोंडा जंक्शन से पहले ओवरटेक करा, और यहाँ अभी देखिए आराम से आके खड़ी हुई है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब तक ये यहाँ से निकली क्यों नहीं है, मुझे ये चीज़ अब तक समझ नहीं आई। क्या चलिए मानते हैं वैशाली एक्सप्रेस की प्रायोरिटी है, लेकिन आप ऑन टाइम रनिंग ट्रेन को कैसे रोक कर डिले ट्रेन से मतलब भाई आप ओवरटेक करवा सकते हैं, मतलब ये लॉजिक मुझे अब तक समझ नहीं आया। यहाँ वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जिसका डिपार्चर होने वाला है, ऑल्सो ये लेट रनिंग है, लेकिन इसने हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया। गोंडा गनो जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन आगे चल जाती है बहराइच की तरफ, और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे बलरामपुर बहरनी की तरफ। वैशाली एक्सप्रेस का यहाँ से डिपार्चर हो गया, तो मेरे ख्याल से हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, तो मेरे ख्याल से 7-8 या 10 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पर आराम से रुकेगी जब तक वो आगे लाइन क्लियर ना कर दे। गोंडा जंक्शन का स्टेशन कोड है GT 132। ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और तकरीबन 9-10 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट भी होती है, इंक्लूडिंग बहराइच गोंडा DMU। एक टाइम था ना इस पूरी टेरिटरी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में ना गोंडा के एल्को लोकोमोटिव्स रूल करा करते थे, लेकिन यार वो भी एक दौर था, आज ये भी एक दौर है कि अब यहाँ के ना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव धीरे धीरे यहाँ के ट्रेनों में लगना शुरू हो चुके हैं। स्टेशन पर आपको ना खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, और गोंडा की ना रेवड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इन रेवड़ियों को परचेज कर सकते हैं। हर आउटलेट पे आपको रेवड़ियाँ मिल जाएंगी। गोरखधाम एक्सप्रेस भटिंडा जंक्शन से निकलती है एवरीडे दोपहर में 2:15, फिर ये ट्रेन रात को 9:10 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आती है, और अगली सुबह 9:45 पर ये ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। तकरीबन 19.5 घंटे का समय लेती है, जिसमें तकरीबन 1120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और इस दौरान ये ट्रेन 17 हॉल्ट्स पर रुकती है। नौ बज रहा है और इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट के बस्ती रेलवे स्टेशन में, जिसका स्टेशन कोड है BST। सुबह 8:10 पे गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बस्ती पहुंचने की टाइमिंग है, और यहां पे इस ट्रेन को 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, आगे थर्ड AC हो, स्लीपर जनरल, मतलब
हर कोचिस से यहाँ पे अच्छा खासा पेट्रोनेस डिवोट हुआ है। बस्ती रेलवे स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, स्टेशन कोड है BST। टोटल यहाँ पे 117 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं, जिनमें अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस भी हैं। बस्ती का ना पहले नाम ना वशिष्ठी हुआ करता था, क्योंकि रामायण के टाइम में ना यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ का आश्रम यही बस्ती में सिचुएटेड था। भगवान श्री रामचंद्र जी ना लक्ष्मण जी के साथ ना कुछ टाइम तक उन्होंने यहीं पे महर्षि वशिष्ठ के साथ यहाँ पे कुछ समय भी व्यतीत किया था। 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारे यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। आज भी न्यू दिल्ली से अगर गोरखपुर लोगों को जाना होता है ना, तो गोरखधाम एक्सप्रेस इन लोगों की सबसे पहली पसंद और सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। सो इन केस अगर कभी आप स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हैं बस्ती के लिए, गोंडा के लिए या खलीलाबाद के लिए, तो मैं आपको इसकी फेयर्स की जानकारी दे देता हूँ और कोच कॉम्पोजिशन की जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन में 10 थर्ड AC के कोच लगते हैं, 4 स्लीपर क्लास के कोच लगते हैं, 3 जनरल के कोचेस लगते हैं, 2 इसमें सेकेंड AC लगता है और 1 फर्स्ट AC का फुल कोच लगता है। स्लीपर क्लास में आपको ये फेयर पड़ेगा न्यू दिल्ली से गोरखपुर के बीच में तकरीबन 450 रुपये। यह फेयर आपको इसके 3rd AC में पड़ेगा तकरीबन 1200 रुपये। सेकेंड क्लास में इसका ये फेयर आपको तकरीबन पड़ेगा 1650 रुपये और फर्स्ट क्लास का इसका यही फेयर आपको पड़ेगा तकरीबन 2800 रुपये के करीब। जनरल क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं न्यू दिल्ली से गोरखपुर के बीच में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मत करिए, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस ट्रेन का जनरल पहले से ही पैक होकर आ जाता है, तो आप शायद अंदर ट्रेन के अंदर बोर्ड भी ना कर पाए। इस है कि ट्रेन का इकलौता चार्टिंग स्टेशन है भटिंडा के बाद, वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसके अलावा इस ट्रेन का कहीं पर चार्ट नहीं बनता है। इस वक्त हम अपनी जर्नी के ना पेनल्टीमेट हॉल्ट उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट खलीलाबाद रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा अराइवल हुआ है। सुबह 8:35 पे गोरखधाम एक्सप्रेस का खलीलाबाद पे अराइवल टाइमिंग है और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से अब हमारी ट्रेन सीधा जाके रुकने वाली है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, तकरीबन 35 किलोमीटर का डिस्टेंस और है यहाँ से। तो 3 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, तकरीबन 68 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल टर्मिनेट नहीं करती है। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से डिवोट हुए हैं। 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारे यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारी जर्नी एंड होने वाली है। अब से तकरीबन कुछ ही देर में हम गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। इसी 2 टायर में अपनी जर्नी आज की हुई है, तो मैं आप सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। इसमें आपको देखिए एक चीज़ है, बेड रोल आपको एकदम क्लीन मिलेगा, मतलब इतना नीट एंड क्लीन बेड रोल तो मैंने आज तक बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनों में भी नहीं देखा था, एकदम मतलब बिल्कुल चमकता हुआ। बेड रोल में आपको फ्रेश पिलो कवर मिलेगा, एक टॉवल मिलेगा, 2 लिनन मिलेगी, ब्लैंकेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ना पैक्ड मिल जाएंगे। बस एक चीज़ इसकी है ना कि थोड़ी इसकी ना क्लीननेस वगैरह कम रहती है। वैसे टाइम टू टाइम इसमें क्लीननेस वगैरह की गई है, वाटर रिफिलिंग भी किया गया था लखनऊ रेलवे स्टेशन पे, और तो और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी इसके विंडो वगैरह और इसकी क्लीननेस वगैरह की गई थी। लेकिन फिर भी यार टॉयलेट ना उस तरीके से इसके साफ नहीं थे जिस तरीके से होने चाहिए। उसके पीछे मेजर रीज़न ये था ना कि ट्रेन ना तकरीबन 12:30 के करीब भटिंडा रेलवे स्टेशन पहुँचती है और वहीं से 2 बजे आ जाती है, तो आप सोचिए उसी में पैसेंजर्स उतरते भी है और नए पैसेंजर चढ़ भी जाते हैं, तो साफ सफाई करने का उतना टाइम मिलता नहीं है। प्राइमरी मेंटेनेंस तो सीधा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे होती है, तो बस ये आपको थोड़ा बहुत इशू आएगा, बाकी ओवरऑल कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। अगर आप इसके स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 4 महीने पहले जब टिकट की विंडो ओपन हो तभी आप बुक कर लीजिए। बाकी AC 3 टायर 2 टायर में आपको इजिली टिकट मिल जाएगा। फर्स्ट AC में थोड़ी सी दिक्कत होगा क्योंकि फर्स्ट AC इसका डिमांडिंग रहता है, इकलौती ऐसी ट्रेन है डेडिकेटेड दिल्ली से गोरखपुर के बीच में। अगर आपको दिल्ली से टिकट ना मिल रहा हो ना, क्योंकि दिल्ली इसका जो है ना इकलौता चार्टिंग स्टेशन है, दिल्ली का जो कोटा है वो RLWL है, तो आप पीछे भटिंडा हिसार या वहाँ से टिकट देख सकते हैं और आपकी बोर्डिंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन डाल सकते हैं। आपको शायद 100-200 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा अगर आप AC में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप बैक साइड से टिकट लेंगे तो।